वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फोर जिसमें हम मेनली देखने वाले हैं पीएच के कॉन्सेप्ट को जिसे समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देन हम पी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्यों बोलते हैं कि ये कन्वीनियंट मेथड है हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का उसके बाद हम देखेंगे पी स्केल को और उसकी लिमिटेशंस को उसके बाद हम पी ओ क्या है पी क्या है पी क्या है ना पी क्या है इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स देखेंगे पहला हम देखेंगे पी एच एंड पी ओ एच के बीच में सेकेंड पी के ए पी के बी और के ए एंड के बी -के, के बीच में तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो चलिए इससे पहले कि हम पी एच के कॉन्सेप्ट को समझें या फिर पी के को देखें उससे पहले हम समझेंगे आयनिक प्रोडक्ट को ये हेल्प करेगा हमें पी एच के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने में बात करें आयनिक प्रोडक्ट की आयनिक प्रोडक्ट क्या है नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर आयंस प्रोडक्ट में रहने वाले हैं देखिए हम दो तरीके से आयनिक प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करते हैं पहला तरीका क्या है पहले तरीके में हम प्रोडक्ट लेते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस एंड एच प्लस यानी हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसनट्रेशन को ये रहा H प्लस एन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड OH एच माइनस की मोलर कंसनट्रेशन दोनों की मोलर कॉन्सन्ट्रेशन का प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है आयनिक प्रोडक्ट जिसे हम के डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर एक और तरीका है क्योंकि डियर आपको पता है कि जो H प्लस आयन है वो वाटर के अंदर यानी एक्वा सोल्यूशन के अंदर किस तरीके से एग्जिस्ट करता है हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में यानी एच थ्रियो प्लस आयन की फॉर्म में तो दूसरे तरीके में हम क्या कह सकते हैं कि जो आयनिक प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है मोलर कॉन्सेंट्रेशं का किस किस की हाइड्रोनियम आयन की यानी एच थ्रियो प्लस आयन की एंड हाइड्रोक्साइड आयन की यानी ओ एच माइनस आयन की अब किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर हमने दोनों तरीके से किया है पहला है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में भी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन एंड ओ एच माइनस आयन और आयनिक प्रोडक्ट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच थ्री प्लस एंड ओ एच माइनस आयस अब नोट डालकर लिखिएगा कि जो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट होगा सिर्फ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर और उसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी के डब्ल्यू एट रूम टेम्परेचर पर यानी टू नाइनटी एट कैलविन पर टेन टू डी पावर माइनस फोर्टीन क्लियर अब जरा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीएच के कॉन्सेप्ट की हमें नीड क्या पड़ी देखिए चाहे सोल्यूशन एल्केलाइन हो यानी बेसिक या फिर एसिडिक हो या हमारे पास सोल्यूशन न्यूट्रल हो कोई भी तरह का सोल्यूशन हो हमारे पास जो आयनिक प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल रहने वाला है 298 नाइनटी एट पर टेन टू डी पावर माइनस फोर्टीन क्योंकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट है अब अगर मैं आपको एच थ्री ओ प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बता दूं कि आपके पास एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है एस थ्री प्लस आयन की अब के डब्ल्यू तो फिक्स है आ, टू नाइनटी एट कैल्विन पर अगर हम बात करें टेन की पावर माइनस फोर्टीन कब है ये टू नाइनटी एट केल्विन पर अब हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको बता दी गई के डब्ल्यू फिक्स है तो ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही फ़िक्स हो गई कि नहीं क्योंकि के डब्ल्यू फ़िक्स है एच थ्री प्लस मैंने बता दिया ओ एच माइनस आप बता सकते हैं तो यानी अगर मुझे सोल्यूशन की एसिडिटी बतानी हो या फिर उसके एल्केनिटी बतानी हो बेसिसिटी बतानी हो तो मेरे लिए सफिशेंट है कि मैं कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर दूँ हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन में समझ आया कि नहीं अब मान लीजिए मेरे पास ये है टू पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस फाइव मोलर क्योंकि के टेन की माइनस फोर्टीन है ना तो हमारे पास यहाँ पर यह कितना है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जीरो पॉइंट जीरो 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 टू फाइव तो ये एक इम प्रैक्टिकल सर्वे हो गया एच थ्री प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सोरेंसन नाम के साइंटिस्ट ने नाइन तो ये एक इम्प्रैक्टिकल सा वे हो गया एच थ्रियो प्लस एन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोरेन्सन नाम के साइंटिस्ट ने 1909 में एक नाइन कन्वीनियंट मेथड दिया एच थ्रीओ प्लस एन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का इन टर्म्स ऑफ पी एच ये डेट थी हमारे पास पी एच के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की तो आप इतना नोट करें देन हम पी एच के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं पी एच ए कन्वीनियंट रिप्रजेंटेशन ऑफ एस थ्रियो प्लस आयन कॉन्सनट्रेशन बात करते हैं इसके डेफिनेशनस की देखिए मैंने एस थ्रियो प्लस आइन की कॉन्सेंट्रेशन को लिखा टू टेंटोरी पावर माइनस एक्स यहाँ पर प्लस को थोड़ा अंदर करें क्योंकि एस थ्रियो प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है टेन की पावर माइनस एक्स इसे माना इक्वेशन बन तो मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरी पी एच है वो एक्स के इक्वल होगा अब अगर मैं यहाँ से डिफ़ाइन करना चाहूँ पी को तो मैं कह सकता हूँ कि एक सोल्यूशन की जो पी है वो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड होती है न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ पर हम साइंस साइंस uh, को बोदर नहीं करते तो पी जो है एक सोल्यूशन की वो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव पावर का जिससे हमने टेन को रेज किया है किस लिए एस थ्री ओ प्लस साइन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यही बात यहाँ पर हमने लिखी है पी एच ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द मैग्नेट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर टू विच टेन मस्ट बी रेज टू एक्सप्रेस द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन क्लियर अब मैं क्या करता हूँ इक्वेशन वन के दोनों तरफ आ, लोग ले लेता हूँ तो मेरे पास आएगा लोग एस थ्री प्लस साइन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लोग टेन टू डी पावर माइनस एक्स अब आपको पता है कि ये देखिए लोग एक्स टू दावर n है वो इक्वल होता है n लोग x के इसी तरीके से यहाँ पर लोग टेन की पावर माइनस एक्स है यहाँ पर n क्या है माइनस एक्स एन आगे आ गया, गया तो यहाँ पर माइनस एक्स गया आ गया अब हमारे पास लोग टेन टू द बेस टेन होता है हमारे पास वन तो यहाँ पर बच गया सिर्फ माइनस एक्स इक्वल है लोग एस थ्री ओ प्लस एन के कॉन्सेंट्रेशन के एक्स में निकालू तो नेगेटिव साइड यहाँ आ गया लोग एस थ्री प्लस एन की कॉन्सेंट्रेशन आ गया अब एक्स मेरे पास क्या है पीएच है तो पीएच किसके इक्वल आ गया लोग प्लस आयन की कंसंट्रेशन ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है पीएच के न्यूमेरिकल्स में क्लियर तो अभी एक दो डेफिनेशंस और देखते हैं पहले तो इसके बेस पर ही डिफाइन करेंगे तो अभी इतना नोट करें देन हम आगे देखते हैं तो चलिए अभी हमने देखा कि पीएच नेगेटिव लोग है एस थ्री प्लस एन की कॉन्सेंट्रेसन का अब अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ यहाँ से पी एच को तो मैं बोल सकता हूँ कि पी एच नेगेटिव लोग्रेथम है हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन का पीएच में भी डिफाइंड एज द नेगेटिव लोग्रेथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन का अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम इक्वेशन टू में करें कि मैं जो माइनस वन यहाँ से है इसकी पावर में ले गया अभी हमने देखा था ना लोग एक्स टू डी पावर एन एन लोग एक्स होता है इसको मैं रिवर्स भी तो लिख सकता हूँ तो यहाँ भी तो मैंने वही किया माइनस वन को पावर में ले गया अब एक्स इनवर्स होता है वन अपोन एक्स इसी तरीके से एस थ्री प्लस इनवर्स क्या हो जाएगा वन अपोन एस थ्री प्लस एन की कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ

ये है डियर हमारे पास एक पी स्केल जिसमें ये मैंने लिखा है लिखी है एच थ्री प्लस नाइन की कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर मैंने मेंशन किया है पी को देखिए अगर हम बात करें इस पोर्शन की यानी यहाँ पर पी सेवन है तो ये पॉइंट होता है न्यूट्रल का अगर हम इससे लेफ़्ट हैंड साइड जाएं यानी सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन की तरफ तो यहाँ पर हमारे पास एसिडिक करेक्टर बढ़ा करता है अगर मैं इसे राइट की तरफ जाऊँ यानी एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व की तरफ तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक करेक्टर इंक्रीज़ हुआ करता है यहाँ पर डिक्रीज नहीं इंक्रीज़ आएगा क्लियर अब हमारे पास आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि एस थ्री प्लस की हम थोरेटिकली कितनी भी पुट कर सकते हैं बिल्कुल तो क्या हमारे पास पी एच भी कितनी ही हो सकती है तो डियर ऐसा नहीं है ध्यान से सुनिएगा हमारे पास ऐसे बहुत कम सोल्यूशन हैं जैसे कि हमें पता है कि जो आयनिक प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है एस थ्री प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन वाटर के लिए 10 की पावर माइनस फोर्टीन रहा करता है रूम टेम्परेचर पर अब हमारे पास ऐसे बहुत कम सोल्यूशन होते हैं जिनमें एस थ्री ओ प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन वन मोलर हो और ओ एच माइनस की या फिर बोल सकते हैं लेस देन टेन की पावर माइनस फोर्टीन मोलर हो क्योंकि ग्रेटर देन वन मोलर मानो मैंने टू लिया तो मैं ओ एच माइनस की कैलकुलेट करूंगा तो टू डिनोमिनेटर में आएगा यानी टेन की पावर माइनस फोर्टीन से तो कम आएगी ना वैल्यू तो ये बोला है कि लेस देन हो टेन की पावर माइनस फोर्टीन मोलर या फिर मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि ऐसे सोल्यूशन हमारे पास कॉमन नहीं रहते जिसमें ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन वन मोलर रहती है और एस थ्री प्लस की टेन की पावर माइनस फोर्टीन मोलर से लेस रहा करती है क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत घटता है तो प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास जो पीएच रेंज है वो हम जीरो करते हैं तो ये रीजन है अगर आपसे कोई पूछे कि हमने स्केल से फोर्टीन ही क्यों लिया क्लियर तो ये हमारे पास बात थी थोड़ी सी पीएच स्केल के लिए अब पीएच स्केल की हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं आप ये नोट करें देन हम लिमिटेशंस को समझेंगे तो चलिए अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ पी एच स्केल को देखते हैं पहली लिमिटेशन क्या कहती है द पी एच स्केल ऑफ द सोल्यूशंस डो नॉट गिव द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी जो सोल्यूशंस के केस में पी एच स्केल हमें क्या हेल्प करता है कि वो उन सॉल्यूशंस के रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन बताता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता यानी कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है दूसरे के रिलेटिव में यह बात तो हमें बताएगा एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि इतना हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन है इसकी इतनी कॉन्सेंट्रेशन है इसकी इतनी स्ट्रेंथ है इसकी इतनी स्ट्रेंथ है रिलेटिव बात हो गई एग्जाम्पल के लिए एक सोल्यूशन है जिसकी पी एच है वन एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच एच है थ्री वो सोल्यूशन जिसकी पी एच वन है उसके केस में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हंड्रेड टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन उस सोल्यूशन में जिसकी पी एच थ्री है यानी रिलेटिव बात हुई है यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बताया इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी इतनी इसकी स्ट्रेंथ इतनी इसकी स्ट्रेंथ इतनी एक और एग्जाम्पल से समझो एक सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सन्ट्रेशन है फोर इंटू टेन की पावर माइनस फाइव नॉर्मल सोल्यूशन इसकी पी एच है फोर पॉइंट फोर एक सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सन्ट्रेशन है टू इंटू टेन की पावर माइनस फाइव मोलर इसकी हमारे पास पी एच है फोर पॉइंट सेवन देखो पी एच दोनों सोल्यूशन की आसपास है लेकिन एक की कॉन्सन्ट्रेशन दूसरे से ऑलमोस्ट डबल है क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ पर वही बात है कि कॉन्सेंट्रेशन तो डबल हो गई लेकिन पीएच में देखो कितना ज्यादा डबल तो नहीं हुआ यहाँ पर पे डबल के ज्यादा डबल क्या बिल्कुल पास पास ही है 4.4 है 4.7 है कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया क्लियर उसके बाद बात करें हम सेकंड लिमिटेशन की पीएच एच इज इक्वल टू जीरो इज ऑबटेन्ड इन वन नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ ए स्ट्रोंग एसिड एंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन टू नॉर्मल थ्री नॉर्मल टेन नॉर्मल द वैल्यू कैन बी नेगेटिव टू सिमिलरली फॉर ए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस ग्रेटर देन वन मोलर पी एच कैन बी ग्रेटर देन फोर्टीन देखो हमने देखा था ये पी एच है वो नेगेटिव लोग्रिथम uh, है हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन के ये बोल रहा है कि पी एच जीरो पी एच जीरो कब मिलेगा जब ये जीरो होगा ये जीरो कब होगा जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन वन होगी क्योंकि लोग वन क्या होता है जीरो तो वही बात तो है कि वन नॉर्मल सोल्यूशन किया तो मेरे पास पी एच जीरो आया स्ट्रोंग एसिड के केस में अगर मैं कंसेंट्रेशन और बढ़ाऊंगा दो नॉर्मल करूंगा तीन नॉर्मल करूंगा टेन नॉर्मल करूंगा, करूंगा तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी और पी एच स्केल हम कर ही जीरो से फोर्टीन रहे हैं ये डिफिकल्ट है ना थोड़ा इसी तरीके से अगर हम बात करूं कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रोंग बेस की अगर ग्रेटर देन वन मोल रहे तो पी एच हमारे हमारे पास 14 से ज्यादा चली जा रही है और हमारे पास पी रेंज क्या ले रहे हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए 1 टू 14 तो इनकी बात कहाँ हो तो ये हो गई उसकी दूसरी लिमिटेशन इतना नोट करें देन हम इसकी एक और लिमिटेशन को देखते हैं चलिए बात करते हैं थर्ड सोल्यूशन थर्ड लिमिटेशन की एक एसिड है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कौंसंट्रेश, है टेन की पावर माइनस एट मोलर मैं बात करूं पीएच क्या आएगी नेगेटिव लोग ऑफ हाइड्रोनियम आइन की कॉन्सन्ट्रेशन यानी टेन की पावर माइनस एटीन है मान एट है मान लीजिए तो इसकी पीएच क्या आ गई अगर मैं थ्री प्लस एन की कॉन्सन्ट्रेसन टेन की पावर माइनस एट लूँ तो यहाँ पर ये कितना आ गया एट आ, आ गया आगे यानी पी एच इज़ इक्वल टू एट तो इसकी पी एच एट तो नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती क्योंकि एट आते ही हमारे पास कौन सी रेंज शुरू होगी बेसिक हो गई तो इसे लेस देन सेवन होना पड़ेगा तो यहाँ पर भी पी स्केल गड़बड़ा गया 10 8 एन टू डी पावर माइनस एट मोलो सोल्यूशन ऑफ एसिड कैन नॉट है पी एच इज इक्वल टू एट द वैल्यू विल बी क्लोज टू बट लेस देन सेवन बिकॉज द सोल्यूशन इज एसिडिक क्लियर बात करें पीएच के मेजरमेंट की कैसे करते हैं अगर हमें एक्यूरेट मेज़रमेंट करना है एक सोल्यूशन की पी का तो हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेते हैं जो होता है हमारे पास पी मीटर अप्रोक्सीमेट पी अगर हमें देखना हो पॉइंट तक की रेंज में तो हम यूज़ करते हैं पी पेपर का करते हैं ना लैब में कि हमारे पास ब्लू लिटमस अगर रेड में हो जा रहा है तो एसडिक है रेड अगर ब्लू में हो जा रहा है तो हमारे पास बेसिक है तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है आप मेज़रमेंट ऑफ पी में इन पॉइंट्स को भी ऐड कर लीजिएगा क्लियर तो आप इतना नोट करें देन हम चलते हैं हमारे पी ओ एच पी के ए उनके सेक्शन पर तो चलिए आगे देखेंगे पी ओ एच पी के पी के बी पी के डब्ल्यू इससे पहले हमारे पास जो ये सिंबल है पी एच का ये लिया गया है डेनिश वर्ड पोटेंस डी हाइड्रोजन आयन से जिसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस अब ये बात हम देख चुके हैं पी एच किसके इक्वल है नेगेटिव लॉग ऑफ एच थ्री प्लस एन की कॉन्सेंट्रेशन इसी तरीके से पी ओ एच हो गया नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच माइनस एन की कॉन्सेंट्रेशन पी के ए हो गया नेगेटिव लॉग ऑफ के ए अब इसे मैं के की पावर में लिख सकता हूँ वही हमारे पास एन लॉग एक्स लॉग एक्स थ्री पावर एन हो जाएगा के ए इनवर्सवन अपन के ए लिख दिया जो के ए है ये है हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट एसिड का जितना ज़्यादा के ए होगा उतना ज़्यादा हमारे पास एसिडिटी होगी सोल्यूशन की बात करें पी के बी की तो वो होगा नेगेटिव लॉग ऑफ के बी के बी हमारे पास क्या होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा बेस का और पी के डब्ल्यू क्या होगा माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू के डब्ल्यू तो आपको पता ही है ना क्या है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अब हमारे पास ये तो इनकी वैल्यू हो गई अब इनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं हम उन्हें देखते हैं पहले आप इतना लिखें तो चलिए आगे नोट डाल कर लिखिएगा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एंड के बी स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ पी के एंड पी के बी यानी जितनी ज़्यादा के ए की वैल्यू होगी के ए क्या है एसिड का आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट उतना कम पी के ए होगा यानी yani, अगर हम कहें कि एक एसिडिक सोल्यूशन है जिसका पी के ए है हमारे पास टू और एक एसिडिक सोल्यूशन है जिसका पी के ए है मान लीजिए फोर जितना ज़्यादा पी के ए यानि उतना कम के ए तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा सोल्यूशन जिसका कम पी के ए होगा यानी टू वाला क्योंकि इनवर्स रिलेटेड है काफी है, ऑर्गेनिक तो केमिस्ट्री के भी रहे होंगे आप उसके बाद बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पी एच एंड पीओ एच देखिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमें पता है कि प्रोडक्ट होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन का किस किस की हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की 298 केल्विन पर वाटर के लिए फ़िक्स रहता है 10 की पावर माइनस फोर्टी मैं लोग ले लेता हूं दोनों साइड यहां पर हमारे पास अगर मैं लोग लूंगा इसका पूरे का तो ये कुछ हमारे पास इस तरीके से बनेगा लोग एम एन एम मेरे पास यहां पर एच थ्री प्लस एन की कॉन्सेंट्रेशन एन है मेरे पास ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ये किसके इक्वल होगा लोग एम प्लस में लोग एन तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया लोग एम प्लस में लोग एन लो के डब्ल्यू अब वही यहाँ पर लोग आएगा log टेन की पावर माइनस फोर्टीन लोग एक्स टू दी पावर एन ये आगे आ जाएगा माइनस फोर्टीन लोग टेन लोक टेन की वैल्यू वन रहती है तो हमारे पास यहाँ पर लोग लिए किसके इक्वल आ गया माइनस फोर्टीन के अब मैं जो नेगेटिव है वो एल एच एस में ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव लोग ऑफ एच थ्री प्लस नेगेटिव लोग ऑफ ओ एच माइनस यहाँ पर भी हमारे पास नेगेटिव आएगा नेगेटिव लोग ऑफ के डब्ल्यू इज इक्वल टू फोरटीन ये किसके इक्वल है इससे पिछले वाले सेगमेंट में देखा है पी एच के ये किसके इक्वल है पी ऑफ ओ एच के ये किसके इक्वल है पी ऑफ के डब्ल्यू के फोर्टीन हमारे पास है ही है तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास पी एच एंड पी ओ एच में कि पी एच प्लस पी ओ एच इज़ इक्वल टू पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्टीन क्लियर तो आप इतना नोट करो एक और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है हम उसे देखते हैं देन इस लेक्चर को फिनिश करते हैं तो चलिए नेक्स्ट हम रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन के एंड के बी या फिर पी के एंड पी के बी के बीच में एक इक्विलिब्रियम कंसीडर करो एच एफ एच प्लस प्लस एफ माइनस के बीच में इसका मैं के ए, यानी आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट लिखूँ एसिड का क्योंकि एच प्लस आ रहा है ना हमारे पास तो वो हुआ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एच एफ की कॉन्सेंट्रेशन ला ऑफ मास एक्शन देखा है ना हमने तो इसे मान लो इक्वेशन वन अब इसी तरीके से F माइनस प्लस एच टू हमारे पास इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है यहाँ पर भी हो एच माइनस प्लस में एच एफ प्रोडक्ट की साइड हमें मिल रहे हैं तो यहाँ पर मैं के बी यानी आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट लिखूँ बेस का तो वो ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एच एफ की कॉन्सेंट्रेशन और एफ माइनस की कॉन्सेंट्रेशन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हम ले लिया करते हैं तो मान लो इसे लिया हमने इक्वेशन नंबर टू मल्टीप्लाई करें वन टू को तो हमारे पास एल एच एस में क्या है के इन टू के बी यहाँ पर ये पोर्शन एज इट इज़ और यहाँ पर ये पोर्शन एज इट इज देखो क्या क्या कट रहा है एफ माइनस यहाँ से एच एफ गया यानी एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और OH ओ एच माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट आ गया इसे हम क्या बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं कि नहीं ये तो हमारे पास आ गया के इन टू के बी इज़ इक्वल टू के डब्ल्यू ये रह गया मैं लोग ले लूँ इसमें मान लो तो हमारे पास ये क्या बनेगा लोग एम एन लोग एम एन किसके इक्वल है पीछे बताया, लोग एम प्लस लोग एन के एम एन यहाँ पर के इन टू के बी है लोग एम एन लोग एम लो के प्लस में लोग एन लो के बी लो के बी लो के डब्ल्यू आ गया अब मैं यहाँ पर नेगेटिव ले लूँ थ्रू आउट दोनों साइड में तो माइनस के लो के माइनस के लो के बी माइनस के लो के डब्ल्यू और के डब्ल्यू रूम टेम्परेचर पर कितना होता है वाटर के लिए टेन की पावर माइनस फोर्टीन अब हमारे पास आपको पता ही है कि जो लोग एक्स की पावर एन रहता है वो किसके इक्वल होता है एन लोग एक्स का अब यहाँ पर हमारे पास वो कितना है माइनस के फोर्टीन माइनस के फोर्टीन आगे आएगा एक माइनस पहले यह फोर्टीन हो गया ये हमने देखा अभी किसके इक्वल है पी के ये किसके इक्वल है पी के बी के ये किसके इक्वल है पी के डब्ल्यू के तो ये तीनों किसके इक्वल आ गए हमारे पास सोरेन इनका सम और ये पी के डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया फोर्टीन के इक्वल तो ये हमारे पास रिलेशन था के ए एंड के बी और पी के एंड पी के बी के बीच में क्लियर तो ये था हमारे लिए आज का जो हमने देखना था एक बार समाप्त करें हमने क्या क्या, क्या किया देखिए सबसे पहले हमने समझा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट उसमें हमने H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया है उसके बाद हमने देखा पी एच, जो कि एक कन्वीनियंट मेथड है हाइड्रोनियम माइंड की कॉन्सनट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का उसमें डेफिनेशंस को देखा नीड क्या थी उसके कॉन्सेप्ट की उसके बाद हमने पीएच स्केल को देखा देन हमने उसकी लिमिटेशंस को समझा देन हमने समझा कि पी ओ एच पी के ए पी के बी एंड पी के डब्ल्यू क्या है उसके बाद हमने रिलेशनशिप्स देखी पहला देखा था पी एच एंड पी ओ एच के बीच में सेकेंड हमने देखा K K के एंड के बी और पी के एंड पी के बी के बीच में क्लियर तो चलिए टी नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग